करता हूँ जिसको आपने आशीर्वाद दिया, आपका प्रेम, आपका आपकी दुआएं, आपका विश्वास इनके प्रति अटूट रहा, इस कारण से ये आज राज्य मंत्री नहीं कैबिनेट मंत्री के दर्जे तक प्राप्त करके बैठी हुई है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हमारे शेड्यूलकास्ट के चार मंत्री एक साथ में हैं कैबिनेट के अंदर आज़ादी के बाद में। पांच मंत्री ट्राइबल के हैं, मीणा समाज के हैं, पहली बार आज़ादी के बाद में। पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट पहली बार है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? प्रसाद जी मीणा है। पीडब्ल्यू मंत्री कौन है? भजेंद्र जाटव है। सिंचाई मंत्री कौन है? महेंद्र मालवीय जी है, आदिवासी है। ममता भूपेश महिला विकास। सामान्य न्याय कौन है? टीकाराम जूली। इस प्रकार से आप देखिएगा पहली बार इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो के साथ में नौ मंत्रियों की भागीदारी हुई है SC ST की। तो आप सोच सकते हो हमारी सरकार की सोच क्या है। आपके आशीर्वाद से मुझे पांच साल पहले तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला और मैंने पांच साल में कोई कमी नहीं रखी काम करने में। कोरोना भी आ गया तब भी कमी नहीं रखी मैंने, विकास को बनाए रखा। अब मैं कह सकता हूँ उस वक्त में भी लगातार काम करते रहे, विकास की गति को धीमी नहीं होने दिया। प्रशासन किया मैंने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया, मैनेजमेंट किया कोरोना का, जिसका नाम पूरी दुनिया में हो गया बिलोर मॉडल का। ऑक्सीजन मरने नहीं दिया किसी को भी, मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद, कितने लोग मरे थे। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी है आप सबके सहयोग से उस वक्त में लोगों ने इमदाद करी, NGO ने, धर्मगुरुओं ने मिलकर साथ दिया, सरकार ने भी DBT करी बैंकों के अंदर 35 लाख लोगों को, कलाकारों को घर बैठे 5-5 हज़ार रुपये भेजे हमने, कोई तकलीफ नहीं पाए, शानदार प्रबंधन किया था। मुझे खुशी है कि उस वक्त में टाइम निकल गया। अब दुख इस बात का होता है कि अभी चुनाव है स्टेट के, हमारी लड़ाई जो है अभी विपक्ष के लोग आ रहे हैं, दिल्ली से आते नेता लोग, स्टेट के नेता लोग घूमते हैं, एक भी मुद्दे वाली बात नहीं करता है। तमाम लोग जो है वजह इसके कि क्या मुद्दे राजस्थान में हैं, कितने हमने काम किए हैं, उसकी आलोचना कोई नहीं कर रहा है, कमियां कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि जनता समझ जाएगी इनके पास कहने कुछ है नहीं, कमियां कुछ है भी नहीं। शानदार परफॉर्मेंस दिए, शानदार कानून पास किए हमने, न्यूनतम आय का कानून बना दिया, नरेगा की तरह शहरों में रोजगार दे दिया, गिग वर्कर का कानून बना दिया, किसानों की जमीनें कुर्क नहीं हो पाएगी, ये क्रांतिकारी कानून हमने बनाया है। हाईकोर्ट का जज जो है सुनवाई करेगा, वो सुनवाई करेगा। पेपर लीक का कानून बना दिया, पेपर लीक करने वाले, पेपर लीक तो गुजरात में भी हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, UP में हुए हैं, पर राजस्थान में हमने लोगों को बंद कर दिया जेलों के अंदर, और तो और उनकी बिल्डिंगों को घिरा दिया रोडवेज चला के, और तो और कानून पार कर दिया आजीवन कारावास, पेपर आउट करने वाला आजीवन कारावास। हिंदुस्तान में कहाँ हुआ है? कहीं नहीं हुआ। शानदार कानून बनाए हमने, जो फालतू में बदनाम करते रहते हैं, हम लोगों को झूठे आरोप लगाते हैं, कहने कुछ है नहीं, जितने नेता आ रहे हैं एक भाषा बोल रहे हैं, भड़काने वाली भाषा बोल रहे हैं, हम उनका जवाब नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमने किया है आपको काम, 10 गारंटी दी हमने महंगे इलाज शिविरों के अंदर, 25 लाख का बीमा किया है का, कहाँ हिंदुस्तान के अंदर? कहीं नहीं है 25 लाख का बीमा, कहीं नहीं। राइट टू हेल्थ का कानून पार कर दिया हम लोगों ने, अधिकार दे दिया आप लोगों को, 500 में गैस सिलेंडर दे दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ लोगों के बिल जीरो है, तब 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों की, अन्नपूर्णा किट अलग दे रहे हैं घर रसोई के लिए, गरीब महिला जानती है क्या फायदा, तेल भी है,
उसके अंदर शक्कर भी है, दालें भी है, सब कुछ है। और तो और लंबी रोड में गाय मर गई थी, 40,000 रुपये प्रति गाय हमने बांटे, किसानों को बांटे हैं। काम बढ़े हिंदुस्तान के अंदर, कहीं बटे हैं, कहीं बटे हैं क्या? तो आप सोच सकते हो कि आगे बीमा करें गायों का और भैंसों का भी, परिवार प्रति परिवार के अंदर। इस प्रकार से हमने शानदार योजना दी, उड़ान योजना दी महिलाओं के लिए, 12 नैपकिन दे रही महिलाओं को, आंगनवाड़ी वर्कर्स बीमार नहीं पड़े, वो बार बार बीमार पड़ती है, बच्चा पैदा होना बंद हो जाता है महिलाओं के, कुछ संकोच की बात नहीं है। 12 नैपकिन पैसे वाले होते हैं अमीर लोग, वो तो खरीद लेते हैं, गरीब महिलाएं खरीद नहीं पाती, वो हमने स्कीम चलाई। क्या नहीं किया हम लोगों ने, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई कमी नहीं रखी काम करने में। मुद्दा क्या महंगाई का है, उसकी चर्चा ना दिल्ली के नेता करेंगे ना कोई स्टेट नेता करेंगे। मुद्दा बेरोजगारी का है, कोई बात नहीं करें, क्योंकि 14 में कह दिया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कालाधन लेके आएंगे, 15 लाख रुपये आ जाएंगे आपके खाते में, वो बातें तो भूल गए हो। हमारी हमने काम किया 5 साल, उसकी आलोचना करो, कमियां बताओ, खामियां बताओ, उस पर बहस करो हमसे। हम चैलेंज देते हैं आपको, आप बहस करो, हमारी कामों पर बहस करो, स्कीमों पर बहस करो, कानून पास की उस पर बहस करो हमसे, तब जनता फैसला करेगी ईमानदारी से किसको हमें जिताना है, क्यों जिताना है। वोट अंतरात्मा का वोट होता है, वो करो आप, वो नहीं करेंगे क्योंकि उनमें जानते हैं कोई हम कुछ बात कह ही नहीं पाएंगे उनको। इसलिए दुनिया भर की बातें आगे कर रहे हैं, 5 साल बाद मोदी जी आ जाते हैं चुनाव बात करने के लिए, अब जाएंगे अभी कमल का फूल ही चेहरा है, अरे भाई मोदी जी थोड़ी आएंगे सड़क बनाने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए, तहसील खोलने के लिए। तो काम तो हमें करना है, प्लीज काम तो हमें करना है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव मुद्दे आधारित लड़े जाते हैं, वो इनकी हिम्मत नहीं है, इनमें साहस नहीं है, इनमें नैतिक साहस नहीं है, इसलिए ये उलझुल बातें करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे जिसमें कोई दम नहीं है। मैं कहना चाहूँगा आपको, आज जुडिशियल दबाव में ईडी, इनकम टैक्स, CBI के छापे डालने विपक्ष पे, असली काम उनको करने दे